हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, एक 12 वोल्ट का अडैप्टर है, इसको लेकर बनाई गई है। इस अडैप्टर के अंदर फॉल्ट ये है कि 12 वोल्ट का ये अडैप्टर है, लेकिन आउटपुट के अंदर ये सिर्फ 3-4 वोल्ट ही निकाल रहा है। तो इसके अंदर क्या फॉल्ट है वो देखेंगे इस वीडियो के अंदर। पिछले दिनों मैंने कुछ एक वीडियो बनाई थी, पिछले दिनों मैंने एक उसके अंदर मैंने आउटपुट वोल्टेज के अंदर अगर कोई भी फॉल्ट होता है, कोई भी SMPS है, आउटपुट वोल्टेज के अंदर उसके अंदर फॉल्ट है, तो उसको किस प्रकार रिपेयर करना है, क्या क्या उसके अंदर कंपोनेंट कौन कौन से ख़राब हो सकते हैं, वो पूरा डिटेल से मैंने बताया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कौन कौन से फॉल्ट आते हैं आउटपुट सेक्शन के अंदर वोल्टेज को लेकर। देखिए, एक तो फॉल्ट आता है कि आउटपुट वोल्टेज है वो बिल्कुल ही जीरो है। तो अगर जीरो है आउटपुट वोल्टेज बिल्कुल ही, तो आप समझ जाना कि इसके जो प्राइमरी सेक्शन होता है, कोई भी SMPS हो, सभी एक ही सिद्धांत काम करते हैं। तो अगर आउटपुट वोल्टेज है वो जीरो आ रहा है बिल्कुल, तो इसके प्राइमरी सेक्शन में दिक्कत होती है। और अगर कम वोल्टेज आ रही है तो जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी के साइड जैसे कैपेसिटर लगा है, ये कैपेसिटर और एक TL431 ये जो यहाँ पर लगा हुआ है, रेगुलेटर IC लगी हुई है जो ट्रांजिस्टर की तरह दिखती है, ये IC और कैपेसिटर का फॉल्ट होने पर आउटपुट के अंदर जो वोल्टेज आती है वो कम हो जाती है। अगर आउटपुट सेक्शन में LED लगी हुई है, जैसे यहाँ पर LED लगी हुई है और कम पावर का अडप्टर है, वो LED है वो ब्लिंक कर रही है और साथ में जो वोल्टेज है वो अप डाउन हो रही है, तो इसके अंदर ज़्यादातर एक ही फॉल्ट होता है। इस फॉल्ट के अंदर जो डायोड होते हैं वो डायोड शॉर्ट हो जाने की वजह से ये LED है वो ब्लिंक करने लग जाती है, और कैपेसिटर का भी फॉल्ट आ जाता है कई बार। अगर कैपेसिटर भी शॉर्ट है, अगर ब्लिंक कर रही है LED, तो उस समय शॉर्टिंग का ही फॉल्ट होता है ज़्यादातर, तो आप उसको चेक कर लेना। तो अब इसके अंदर मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ। इसके अंदर जो आउटपुट वोल्टेज है 3-4 वोल्ट ही बता रहा है, 12 वोल्ट का अडैप्टर है, 12-13 वोल्ट निकालना चाहिए इसने, लेकिन सिर्फ ये 3 वोल्ट 4 वोल्ट के करीब ही निकाल रहा है। तो मैं इसको पहले आपको चेक करवा के दिखाता हूँ और फिर इसको करते हैं रिपेयर। दोस्तों, पिछली वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, SMPS से रिलेटेड जो भी फॉल्ट है वो मैंने सारे उसमें बता रखे हैं। ये देखिए, इसकी LED है वो जलने लग गई है, ये मैंने 20 वोल्ट पर सेट कर लिया है इसको, और अब देखते हैं इसकी वोल्टेज कितनी वोल्टेज निकाल रहा है ये। देखिए, देखिए दोस्तों, सिर्फ 3 वोल्ट के करीब ही, 3 साढ़े 3 वोल्ट ही है निकाल रहा है, लेकिन अडप्टर ये 12 वोल्ट का है। तो अब इसके अंदर दिक्कत क्या हो सकती है? तो मैंने अभी बताया है कि अगर आउटपुट के अंदर कम वोल्टेज बता रहा है, जो कि ऊपर नीचे अप डाउन नहीं हो रही है, तो इसके कंडीशन के अंदर हमें आउटपुट सेक्शन के अंदर जो, मैं इसको एक बार बंद कर लेता हूँ, आउटपुट सेक्शन के अंदर जो ये कैपेसिटर और ये जो लगा हुआ होता है TL431 रेगुलेटर IC, इसको चेक करना होता है। कई बार ये कैपेसिटर के कारण हो जाता है और कई बार ये जो TL431 लगा हुआ है इसके कारण होता है, क्योंकि ये जो TL431 होता है ये प्रॉपर आगे पल्स इसको नहीं देगा, तो ये भी आगे इस MOSFET को पल्स नहीं देगा, तो ये फिर सही से वर्क नहीं करेगा, तो इसलिए कम वोल्टेज निकालता है। तो मैं इसके अंदर देखता हूँ, पहले कैपेसिटर को चेक करूँगा और फिर चेक करूँगा मैं इसको TL431 को। तो बजर बोर्ड भी मैं सेट कर लेता हूँ इसको, वीडियो को दोस्तों अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर कर दिया करें। देखिए, कैपेसिटर इसका बिल्कुल सही है, मैंने बाहर निकाल कर इसको देख लिया है, और अब TL431 है, इसको टेस्ट करके देखता हूँ, इस पर कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। सही है ये यहाँ पर, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये शॉर्टिंग बता रहा है, ये दोनों जो है, बीच वाली पिन और एक जो साइड वाली जो पिन है इसकी, ये दोनों है वो शॉर्ट बता रहे हैं, बता रहा है ये,
जो एक तो जा रही है इसकी ऑप्टोकॉपलर के पास जा रही है और एक जो बीच वाली है, ये दोनों ही शॉर्ट बता रही है आपस में, ये देखिए। तो यही इसके अंदर खराबी है। मैं पहले इसे चेंज करके देखता हूँ, फिर इसे दोबारा चला के देखूंगा, अगर वोल्टेज है वो सेट हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर और चेक करेंगे इसके अंदर। तो मैं जल्दी से पहले इसे बाहर निकाल कर टेस्ट करता हूँ। ये मैंने इसके बाहर निकाल लिया है, दोबारा टेस्ट करता हूँ इसको। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल ये शॉर्ट है। तो ये ही फॉल्ट था एक इसके अंदर। तो ये आपको डीटीएच सप्लाई के अंदर मिल जाएंगे, टीएल 431 जो होता है लगा हुआ होता है। तो ये मैं डीटीएच का एक एसएमपीएस ले लिया है मैंने, ये देखिए इसके अंदर लगा हुआ है, ये टीएल 431 है। ये निकाल कर मैं उसके अंदर लगा कर फिर इसे चला कर देखता हूँ। तो मैं जल्दी से पहले इसे निकाल लेता हूँ। ये मैंने निकाल लिया इसमें से, और अब इसके अंदर मैं इसे वापस लगाता हूँ। वापस लगाने से पहले इसके जो प्रिंट है मैं मुझे साफ़ करने पड़ेंगे, तो मैं जल्दी से इसको साफ़ कर लेता हूँ। मैंने इसके प्रिंट साफ़ कर लिए हैं और अब इसको मैं वापस इसके अंदर सेट करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इसके अंदर अब लगा दिया है। चलिए दोस्तों, इसको देखते हैं चला के फिर से। और मैंने इसे वायर वगैरह कनेक्ट कर लिए इसकी सारी, और देखते हैं अभी ये रिपेयर हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल रिपेयर हो चुका है ये। और वीडियो दोस्तों अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें दोस्तों, और जो भी नए जो व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। इसी तरह की वीडियो है हम बनाते रहते हैं और रिपेयरिंग सिखाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।